हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम लोग आए हुए हैं एक सैमसंग का फ्रिज रिपेयर करने के लिए। ये फ्रिज जो है अभी सेल नहीं हुआ है, ये स्टॉक के रिगार्डिंग का कंप्लेन है और डीलर ने बताया कि इसका जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट नहीं हो रहा। हम लोगों ने चेक किया तो देखा कि इसका कंप्रेसर ख़राब हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें एक पीसीबी लगा हुआ है जो कि इन्वर्टर पीसीबी है और ये जो कंप्रेसर है ये कि इन्वर्टर कंप्रेसर है। तो आज हम लोग इसको चेंज करेंगे कंप्रेसर को और देखेंगे कि इसमें गैस चार्जिंग कैसे करते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुराना वाला जो कंप्रेसर है हम लोगों ने निकाल लिया है और इसका जो ये रबड़ है इसको भी पुराने वाले में से निकाल लेते हैं क्योंकि नए वाले के साथ इसका जो रबड़ है ये नहीं आता है। अब देख सकते हैं ये सैमसंग से ही आया हुआ है कंप्रेसर। तो देख सकते हैं ये नया कंप्रेसर, बहुत ही छोटा कंप्रेसर है ये। तो फटाफट से इसको अभी हम लोग लगाते हैं, कार्टून को रखते हैं साइड में।
देख सकते हैं सक्शन और डिस्चार्ज पाइप का कनेक्शन हम लोगों ने कर लिया है। अब चार्जिंग लाइन को कनेक्ट करेंगे। गैस चार्जिंग के लिए हम लोग कैपिलरी ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे। सारा जॉइंट्स हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसको वैक्यूम पे लगाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि वैक्यूम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वैक्यूम में लगा देते हैं और जितना भी कनेक्शन है पीसीबी का, हम लोग पीसीबी का कनेक्शन करेंगे, उसके बाद फिर गैस चार्जिंग करेंगे। वैक्यूम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब गैस चार्ज करेंगे। गैस चार्जिंग में हम लोग कोई भी मैनिफोल्ड गेज या कंपाउंड गेज का यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग गैस चार्जिंग में है। ये R600 गैस है जो इसमें यूज़ होगा। ये वेट मशीन है जिसके थ्रू हम लोग गैस को वेट करके डालेंगे। जितना मशीन के ऊपर लिखा हुआ है 35 ग्राम्स। आप देख सकते हैं इसमें 365 ग्राम बचा हुआ है, मतलब कि 35 ग्राम पूरा गया। अब मशीन को ऑन करेंगे। कहाँ वहाँ लेके जाना है? तो कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो गया है और हीटिंग भी आना शुरू हो गई है। गैस चार्जिंग हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, तो अब चार्जिंग लाइन को लॉक कर देंगे। में कूलिंग आ गई है, आप देख सकते हैं फ्रीजर में पूरा आइस आ गया है। अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा, बट पूरा आइस आ गया है।